हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन लोकल फूड में। आज जो है मैं मशरूम पफ बनाने जा रही हूँ। हम स्टोर से, बेकरी से इसे बहुत ही खरीद के खाते हैं, लेकिन घर में ही इसे किस तरह से बनाया जाता है हम इसे देखेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आपके घर में ओवन है तो आप इसे जरूर बनाइए। आइए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रे ले लेंगे, थोड़ा सा चौड़ा सा ट्रे। उसमें मैं मैदा को डालूंगी। तो मैं एक शीट बनाने जा रही हूँ पफ डो का। तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट 1 पाव मैदा का यूज करूंगी। आप देख सकते हैं इतना मैदा मैं रखूंगी। बाद में मुझे बटर को भी शेप में लाने के लिए चाहिए। मैं ग्रेटर को ले लूंगी और मैंने 200 ग्राम का बटर लिया है। तो इससे हाथों की मदद से भी हम इसे यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रेटर यूज कर रही हूँ कि अच्छी तरह से गुनने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना ग्रेट कर लिया है इसे। अब हम इसे अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स कर लूंगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे मैं इस तरह से माउंटेन शेप बना दूंगी और बीच में इसे छेद कर दूंगी। मैं इसमें 2 चम्मच नींबू पानी का यूज कर रही हूँ, इसमें डाल दूंगी। नमक में इसमें सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ, तो नमक में इसमें नहीं डालूंगी। लेकिन अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। तो अब जो है मैं ठंडा पानी, आप देख सकते हैं आइस वाटर, इसमें मैं डालूंगी। तो हमें जो पफ का डो बनाना है वो सिर्फ आइस वाटर में फ्रिज में रख के ही बनाना पड़ता है। तो इसे भी मैं डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना शुरू करूंगी, ज्यादा नरम नहीं चाहिए मुझे। अब मैं अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लूंगी। मैंने अच्छी तरह से इसका डो बना लिया है। अब जो है मैं एक प्लास्टिक रैपर से कवर करके रख दूंगी, साइड में रख दूंगी। आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर में आपको रखना है, तो हाथों से अच्छी तरह से हो जाता है। तो अभी मैं 100 ग्राम का बटर ही यूज कर रही हूँ। अच्छी तरह से ये हाथों से जब अपने आप गूंदना लग जाए तब ये तैयार है। ज्यादा मत गूने, इसे ज्यादा गीला नहीं करना है। अब मैं थोड़ा इसमें मैदा मिक्स करूंगी और इसे गूनेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसका छेद बन रहा है। तो ये तैयार हो चुका है, इसे ज्यादा गीला नहीं करना है। अब मैं इसे प्रेशर दे दूंगी, बाद में हमें इसे बेलने में आसानी हो। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप मैदा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से स्क्वायर शेप हो चुका है। इसे भी मैं प्लास्टिक रैपर में कवर करके दोनों को फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं इसे और को फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख दूंगी। तो हम फिलिंग्स के लिए मशरूम और प्याज को काट लेंगे स्लाइस करके। तो ये पफ हम बना रहे हैं उसके अंदर जाएगा। तो मैंने 4 मशरूम लिए हैं, स्लाइस करूंगी, पतला पतला करके स्लाइस बना लूंगी। तो मैंने काट लिया है सारे मशरूम को, आप देख सकते हैं अच्छा से स्लाइस बना लिया है इसका। प्याज को भी स्लाइस बना लूंगी। आप जितना पतला सकते हो उतना पतला कीजिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्रीजर से निकालेंगे। अब मैं इसे रैपर से निकालूंगी डो को और यहाँ टेबल में रख दूंगी। थोड़ा मैदा का यूज करूंगी और उसे मैं इस तरह से 4 कोना बना लूंगी इसका। तो बीच में हमें इसे मोटा रखना है। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब जो बटर है उसे हम बीच में रख देंगे और उसे इस तरह से कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप आ चुका है इसका। स्टार्टिंग में अच्छा शेप नहीं बनता लेकिन जब हम निकाल के गूंथते रहेंगे तब भी अच्छा शेप बन जाएगा। तो हम थोड़ा दबा लेंगे हाथों की मदद से। अब हम इसे अच्छी तरह से बेलेंगे। तो आपको याद रखना कि ये 4 कोना ही बनना है इसका। जितना तक ये जा सके उतना तक आप बनाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि ये 4 कोना ही रहे, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आप देख सकते हैं कि मैं साइड साइड में मिला मिला के कर रही हूँ इसे। ये जो फर्स्ट टाइम में है ये परफेक्ट नहीं होता है, बाद में जब हम करते रहेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो पफ डो है वो अच्छी तरह से बेल चुका है, 4 कोना हो चुका है उसका। बस अभी हम इसे
फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड याद रखना कि सब चीज सेंटर में होना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी भी नहीं मिल रहा है इतने सारे, लेकिन जब हम इसे बार बार निकाल के गुनेंगे तब भी अच्छी तरह से शेप में आ जाएगा। हाथों की मदद से जितना ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ इसे लेवल में लाने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करूँगी बिगड़ जाएगा। मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। ट्रे में मैं इसे रखूँगी, थोड़ा मैदा छिड़क लूंगी नीचे में और इसे रखूंगी, फिर ऊपर में भी थोड़ा छिड़क लूंगी और इसे फिर से एक फ्रेश प्लास्टिक रैपर से कवर करके फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख दूंगी। और फिर से हम 15 मिनट निकाल के इसे फिर से स्क्वायर शेप में बेलेंगे। हमने इसे सेकेंड टाइम के लिए फ्रीजर में रखा 15 मिनट के लिए। अब हम इसे रैपर को निकालेंगे और फिर से इसमें थोड़ा मैदा को छिड़क देंगे। अब हम इसे फिर से स्क्वायर शेप में बेलना शुरू करेंगे। तो ये स्क्वायर शेप में हो चुका है। अब मैं फिर से इसे सेम तरीके से फॉलो करूंगी। हम फिर से ट्रे में रखेंगे, थोड़ा डस्टिंग करेंगे और फिर से रैपर से कवर करके फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख देंगे। हमें इसे और दो बार करना है इसी तरीके से। तो पफ का जो लेयर बनता है वो इसी तरीके से बनता है जब हम इसे इसी तरह से बेलते रहते हैं कवर करके फ्रिज में रख के। बहुत ही अच्छा लेयर बनता है इसका। हम फिर से 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीजर में। तो अब मैं इसे फिर से निकाल रही हूँ, फिर से डस्टिंग करेंगे और फिर से मैं इसे स्क्वायर शेप में अच्छी तरह से बेल लूंगी। तो ये हमारा थर्ड टाइम है हम इसे स्क्वायर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि जब हम करते रहेंगे तो ये अच्छा स्क्वायर बन जाएगा बाद में। तो आप स्टार्टिंग में ज़रा टेंशन मत ले जब अगर ये नहीं हो रहा है। अभी हम फिर से सेम तरीके से हम इसे रखेंगे। अब मैं फिर से इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो अब हम इसे फिर से निकालेंगे, फिर से थोड़ा मैदा छिड़केंगे इसमें और फिर से स्क्वायर शेप में इसे बेलेंगे। तो इसे हम फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। अब हम इसे फिर से और एक फोल्ड कर लेंगे। तब हम इसे फ्रीजर में ना रख के फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए। और एक घंटे के बाद हम इसे और एक बार अच्छी तरह से बेल के उसके बाद हम अपना पफ को बनाएंगे। थोड़ा सा मैदे से छिड़क के रख देंगे इसे। अब हम इसे एक घंटे के बाद निकालेंगे। अब हम पफ के अंदर जो फिलिंग्स डालना है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं एक पैन को गरम करूंगी। पैन गरम हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल को डालूंगी। हमने जो मशरूम और प्याज काटा था उसे हम डालेंगे। सबसे पहले मैं प्याज को डालूंगी। अब मशरूम को नमक डालूंगी 1/2 स्पून, ये छोटा स्पून है स्वाद अनुसार। जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम लिया है मैंने। गार्लिक पाउडर 1/2 चम्मच। थोड़ा गैस को थोड़ा कम कर देंगे कि ये ना जले। तो हमें इसे अच्छी तरह से पकाना नहीं है, बस इसे मिक्स करना है और थोड़ा लूज होने देना है, क्योंकि जब हम इसे ओवन में बनाएंगे तब ये अच्छी तरह से पक जाएगा। ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, सोया सॉस 1/2 स्पून, टमाटो सॉस 2 स्पून। तो टमाटो सॉस से जो है बहुत ही अच्छा स्वाद आता है फिलिंग्स में। तो हम अच्छी तरह से डालेंगे और टोमेटो सॉस डालने के बाद अंत में डालिएगा। इसे हमें पकाना नहीं है, बस मिक्स करके गैस को ऑफ कर देना है। तो हमारा फिलिंग्स भी तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। एक घंटा हो चुका है, अब हम अपने पफ को निकालेंगे। तो
इसे और एक बार हम अच्छी तरह से बेलेंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। हम मैदा को फिर से छिड़क देंगे, इसे अच्छी तरह से स्क्वायर शेप में बना लूंगी। पफ का जो शीट है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइड पे थोड़ा कटिंग देंगे, बस हल्का सा कि और भी अच्छा शेप में आ जाए। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से कर लूंगी। मैंने इसे अच्छी तरह से चारों कोने से अच्छी तरह से मिला लिया है। अब जो है हम इसका शेप बनाएंगे, तो हम स्क्वायर शेप में पफ बनाएंगे कि मुझे शेप बस इतना चाहिए। तो मैं इसे बीच से काटूंगी और जो रिमेनिंग है वो मैं फ्रिज में रख दूंगी कि जब भी मुझे कुछ पफ खाने की इच्छा हो तो मैं बना के खा सकती हूँ। पफ बनाएंगे आज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एक नाप ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्का सा दबा दूंगी और अब मैं इसे खोल के इसमें एक रेक्टेंगल शेप का काट दूंगी मैं यहाँ पर। कि जो अंदर की फिलिंग से जब वो पक जाए तो बाहर से दिखाई दे कि अंदर में क्या क्या फिलिंग्स है। और अब मैं इसमें फिलिंग्स को डालूंगी। अब जो मैंने फिलिंग्स का तैयार किया है उसे हम डालेंगे। बस इतना, थोड़ा सा चीज को मैंने ग्रेट किया है उसे भी ऊपर में हम डालेंगे कि और भी अच्छा फ्लेवर आए इसमें। अब हम इसे क्लोज करेंगे। अब इसे थोड़ा उंगली उसे दबा देंगे इसे। मैंने एक एग लिया है, इसे हम अभी एक वॉश करेंगे कि ऊपर में थोड़ा गोल्डन कलर दिखे। तो इसी तरह से मैं बाकियों को भी तैयार कर लूंगी। तो मैंने चारों को तैयार कर लिया है, अब मैं प्री हीटेड ओवन में इसे डालूंगी। इसे मैं लो स्टैंड में रख दूंगी, बंद कर दूंगी। तो याद रखिए ये प्री हीटेड है पहले से, तो कन्वेंशन में हम दबाएंगे इसे। ये बेकिंग है और इसमें मेरा जो कन्वेंशन है खाली 330 तक जाता है, तो मैं इसी में करूंगी। तो अब हम स्टार्ट दबा देंगे। एक्चुअली इसका टाइमिंग 15 मिनट्स है, लेकिन मुझे ऊपर में जब गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं 20 मिनट्स के लिए कर दूंगी। तो अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। तो हो चुका है, हम स्टॉप कर देंगे। आप देख सकते हैं पफ अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी, इसे हम निकालेंगे, इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेयर बन चुका है इसका। तो ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। देख सकते हैं हमने टोमेटो सॉस के साथ इसे परोसा है और गरम गरम इसे खाइए। ठंडा का महीना है, गरम गरम पफ बना के खाइए अपने घर में और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच आज हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।